हेलो ऑल, मैं अर्पिता। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल 5 साल में। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ, एक चटनी का रेसिपी है। वैसे तो आप लोग पुदीने की चटनी खाते ही होंगे बहुत टाइप से बना के, बट मैं आज जिस टाइप का पुदीने की चटनी लेके आई हूँ वो थोड़ा उसमें ट्विस्ट है। मेरी मॉम ऐसे बनाती थी तो तब से मुझे पता है कि इमली और पुदीने की चटनी भी ऐसे बनाया जा सकता है। इसको आप राइस, रोटी, दाल किसी के साथ भी खा सकते हैं, सलाद में भी इसको आप मिला के खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये पुदीना और इमली की चटनी, और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग देखते तो हैं वीडियो बट लाइक नहीं करते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट्स आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो पुदीने और इमली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पुदीने का पत्ता, इमली, लहसुन, गुड़, हरी मिर्च और काला नमक। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुछ इमली ले लिया है, पुदीने का पत्ता, काला नमक, लहसुन, थोड़ा सा गुड़ और 2 हरी मिर्च। यहाँ पे अभी एक मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, और अभी देखिए मैंने ऐसे पूरा फ्रेश पत्ते लिए हैं पुदीने का, जिसका कि डंठल मैंने अलग करके मैंने फेंक दिया है, और उसका जो पत्ता होता है सिर्फ वही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो डंठल भी डाल सकते हैं, बट उसके रेसे जो हैं वो मुंह पे आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप सिर्फ पत्ते ही मिलाइएगा। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना इमली को गर्म पानी में पहले से इसे भिगो के रख लिया था ताकि वो नरम हो जाए और उसमें जितना भी पल्प होता है वो बाहर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने इमली लिया है इसका कुछ भी बीज नहीं है इसमें, तो वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे बड़े बड़े 2 लहसुन की कलियाँ डाल दिया है, 2 हरी मिर्च मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्ची का क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो नमक खाते हैं वो नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, तो वो भी आप डाल दीजिएगा आपके स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे मैं थोड़ा गुड़ ले रही हूँ, आप चाहे तो वो नॉर्मल गुड़ ले सकते हैं, मेरे पास ऐसे पाउडर गुड़ था तो मैं यहाँ पे वो ऐड कर रही हूँ। इसको अभी हम ग्राइंडर में चला लेंगे। उससे पहले मैंने जो इमली का जो पानी रखा हुआ था वो इमली का पानी मैंने थोड़ा यहाँ पे डाल दिया है, और अभी इसमें मैं उसका ढक्कन लगा के एक सुंदर सा पेस्ट में इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा जो पुदीने और इमली और बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किया था उन सबको अच्छे से ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया है इसका। हमने इमली दिया था, इमली का कलर थोड़ा जो डार्क कलर था इसलिए हमारा चटनी का कलर भी ऐसा आया है, बट बिलीव कीजिएगा ये चटनी खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप राइस और दाल खा रहे हैं और उसको मूली के साथ अगर लगा के आप खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आलू का पराठा हो गया, गोभी का पराठा, कोई भी पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही इजी सा रेसिपी है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।